देखिए, जितनी हमने रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन समझी हैं अप टू सर्कुलर परमिटेशंस तक, तो वो तो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स थे और उससे बेस्ड हमने क्वेश्चंस वहीं पे लिए। लेकिन बहुत ही अच्छे सवाल जो हैं, बहुत ऐसे आते हैं जो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स में काउंट होते हैं, तो वो हम एक्सक्लूसिवली अलग से ले रहे हैं। दीज आर नोन एज द मिसलिनियस प्रॉब्लम्स और दे आर वेरी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। और जैसे कि एक सवाल ये लिखा हमने कि फाइंड सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द 1 2 3 4। बाई यूजिंग द 1 2 3 4 वी कैन फाइंड आउट द हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, लेकिन उसका उसको सम चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द सम, फाइंड सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द 1 2 3 4। वी नो दैट हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, हमें पता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, ये तो हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, वो तो हम निकाल पाएंगे कि वो चारों के चारों को यूज करना है, ऑल 4 आर डिफरेंट, सो वो तो आप लिख देंगे दिस इज 4 फैक्टोरियल, दिस इज 24। अब देखिए पॉइंट ये आता है कि ये जो 24 नंबर्स बन रहे हैं सारे, उनका सम निकालना है, उसका सम निकालना है। तो ये नंबर्स इस तरह से लिखे होंगे कि फर्स्ट नंबर है जिसमें कि 4 डिजिट है 1 2 3 4, फिर उसके नीचे दूसरा होगा, और दीज आर द टोटल 24 नंबर्स, और 24 नंबर्स होंगे और फर्स्ट प्लेस इन पे इस तरह से 4 डिजिट्स होंगी, राइट। तो ये 4 डिजिट्स अगर नंबर है तो इस तरह की उसकी पोजीशन बन रही होगी, दीज आर द 4 डिजिट्स, और दिस इज फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अप टू ये 24 तक जाएगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम, और उसका सम निकालना है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है उसके सम की, बिकॉज ये टोटल 24 डिजिट नंबर्स बने हैं, और पॉइंट ये है कि इस फर्स्ट प्लेस पे अगर आप फर्स्ट प्लेस पे देखेंगे तो आपको 24 नंबर्स आ रहे हैं, और हमारे पास थे 4 नंबर। तो 4 नंबर कौन से थे? 1 था, 1 2 3 4 था, सिंपल क्वेश्चन है पहला। तो इस बात को आप समझें कि वी हैव द 4 नंबर्स, और टोटल फर्स्ट वाले मीन्स फर्स्ट प्लेस पे जो फर्स्ट प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस पे जो जितने भी नंबर्स आएंगे, ऐसा होगा कि 24 होने की वजह से टोटल हर नंबर जो है, बिकॉज दीज आर द 4 एंड वी हैव द 64, सो 24 नंबर्स आर देयर एंड वी हैव द 4 नंबर्स, तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, राइट। तो ईच नंबर इज यूज्ड, ईच नंबर इज यूज्ड 6 टाइम्स, तो ईच नंबर यूज्ड एंड इट विल बी यूज 6 टाइम्स, मतलब 1 जो है उसमें 6 बार मिलेगा, 2 6 टाइम्स मिलेगा, 3 भी 6 टाइम्स मिलेगा, और 4 भी 6 टाइम्स मिलेगा, तब 6 4 जा 24 टोटल नंबर्स आएंगे। फर्स्ट फर्स्ट प्लेस की बात चल रही है, ऐसा ही 10th प्लेस पे होगा, ऐसा ही 100th प्लेस पे होगा, ऐसा ही 1000th प्लेस पे होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम एक काम करेंगे कि ये जो है टोटल सम निकालना है, टोटल सम आप देखिए ये करेंगे, टोटल सम इस तरह से आएगा कि ये जो नंबर है, पहले मैं आपको स्लाइटली रफ मेथड बताता हूँ, फिर हम उसे और प्रसाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल सम आएगा फर्स्ट प्लेस पे सम आएगा आपका, दीज आर द नंबर्स, बिकॉज 6 टाइम दे आर 6 इन 2, और इनका सम कर लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 8 9 10, सो दिस इज 60। व्हेन यू ऐड द फर्स्ट कॉलम को जब आप ऐड करोगे, फर्स्ट कॉलम में जो एडिशन मिलेगा 60 मिलेगा, वही सेकेंड कॉलम में मिलेगा, वही थर्ड में मिलेगा, वही फोर्थ कॉलम में मिलेगा, जब सब चारों कॉलम में एक ही सम आएगा। और अब आप देखिए, जब हम नंबर लिखते हैं तो ये पूरा नंबर हमें लिखना है, इन सबको ऐड करना है, राइट। एक नंबर की बात करें हम, जैसे कि 678 यदि टोटल नंबर है, तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं? हम जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसको लिखते हैं, जो 100th प्लेस पे है यहाँ पे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट प्लेस पे है जो उसको 8 लिखेंगे। तो इस नंबर को हम इस तरह से लिख पाते हैं, और हमारे पास में फॉर द ईच कॉलम वी हैव द सम 60, राइट, बट वी हैव टू फाइंड आउट ऑल नंबर सम। तो
तो किस तरह से करेंगे, देखिए फर्स्ट प्लेस पे यही होगा, सेकंड प्लेस पे जो नंबर होगा, सेकंड प्लेस पे जो सम होगा वो भी हमें 60 ही मिलने वाला है, और 100th प्लेस पे, सेकंड प्लेस मीन्स दिस इज द 10th प्लेस, 10th प्लेस, 10th प्लेस पे भी वही मिलेगा, एंड थर्ड ये है 100th प्लेस पे, 100th प्लेस पे भी आपको सम 60 ही मिलेगा, एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ 1000th प्लेस पे भी वही सेम सम मिलने वाला है, दिस इज द 60। और जिस तरह से मैंने ये बताया कि जब यहाँ सब में 60 आ रहा है सम, सो देयर फॉर सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर्स उसका सम इस तरह से आप लिखोगे कि जो फर्स्ट प्लेस वाला है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं वन से, तो इनटू वन होगा। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला नंबर हमें भी 60 मिल रहा है, 60 उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 100 प्लेस पे है उसको आप 100 से करेंगे, राइट, प्लस 60 इंटू जो 1000 प्लेस पे है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिकॉज ये तीन नंबर्स का मैंने एग्जांपल दिखाया आपको कि उनको इस तरह से किया जाता है, तो इनका सम भी इस तरह से हो जाएगा। सो दिस विल बी 60 प्लस 600 प्लस 6000, 6000 प्लस 60000, 60000, सो दिस इज द 60000, फिर आप लिखेंगे 6000, दिस इज 6000, फिर 600 एंड देन कम्स द 60, राइट, 066 एंड दिस इज 66, राइट, द टोटल सम इज 4 टाइम्स 6 एंड 0, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें जो फॉर्मूला काम करता है वो ये करता है, फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि आप टोटल सम लिख लीजिए, सम लिखेंगे किसका, हमने सम यहाँ किया था ये वाला, तो इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ये तो सम ऑफ डिजिट लिख सकते हैं, सम ऑफ डिजिट लिख सकते हैं, राइट, जिस तरह से ये था, दिस इज द सिक्स टाइम्स कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, सम ऑफ डिजिट्स इनटू दिस इज व्हेन यू टेक आउट द 60 कॉमन, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पोजिशन, 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस, इस तरह से जो है डायरेक्टली सम आ जाएगा। एक और सवाल लेता हूं मैं, तो और चीज क्लियर हो जाएगी आपको किस तरह से इसमें नंबर लिखा जा रहा है। कोई भी नंबर है, जिस तरह से एग्जांपल दिखा है 678, उसको आप 600 प्लस 70 प्लस 8 लिखेंगे, ये टोटल इनका जो सम करेंगे, और एग्जैक्टली सेम ये हुआ, फर्स्ट कॉलम में 60 सम था, सेकंड कॉलम में भी 60 था, थर्ड कॉलम में भी 60 था, फोर्थ कॉलम में भी 60 था, तो उसको इस तरह से हमने सम को निकाला। एक और सवाल लिया जाए जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन ये है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 से बड़ा हो, फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9, ऑड डिजिट्स दिए हुए, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, राइट, अगेन द सेम थिंग, हम जब नंबर्स को लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर जो नंबर होगा उसमें नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वी हैव ऑप्शंस फॉर द ईच डिजिट, हमारे पास में 5 ही ऑप्शंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट, और ये भी साथ ही साथ बोल रहा है कि ऑल नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 10,000, तो देखिए ये तो अंडरस्टूड है कि आप मिनिमम सबसे छोटा नंबर जो बन सकता है वो 1
वो यही बन सकता है 13579, यही सबसे 13579 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके बाद स्मॉलेस्ट है, फिर सबसे छोटा नंबर जो अवेलेबल है वो उसके बाद ही है, उसके बाद में ही है। तो इस तरह से जो हम नंबर लिख रहे हैं ये सबसे छोटा है, और जब इन्हीं डिजिट्स को यूज करके नंबर बनाया जा रहा है तो डेफिनेटली सारे नंबर जो है 10,000 से ऊपर ही जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, दिस कंडीशन इज ऑलरेडी फुलफिल्ड, राइट। अब हम नंबर्स बनाएं तो अगेन वी हैव द टोटल 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो नंबर्स बनेंगे ग्रेटर देन 10,000 बनेंगे, एंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन दिस। इट मीन्स उसने ये नहीं बोला कि कितना डिजिट नंबर बनना चाहिए, ये अंडरस्टूड है इसको देख के कि जब ये 5 डिजिट नंबर है तो इससे बड़ा 5 डिजिट नंबर ही बनने वाला है, तो 5 डिजिट नंबर बनाएंगे हम, ठीक है। विल मेक द, दिस इज द फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस, राइट। और जब हम इन नंबर्स को बनाएंगे देन वी हैव द नंबर्स, टोटल नंबर्स वो हो जाएंगे आपके 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज द 5 फैक्टोरियल 120, दिस इज द 5 फैक्टोरियल, राइट। सो मैं डायरेक्ट इसका सम लिखूंगा, देखिए शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स उसका हम डायरेक्ट सम लिख रहे हैं, इक्वल्स टू, बिकॉज टोटल 120 नंबर्स बनेंगे एंड वी हैव द 5 नंबर्स, राइट, वी हैव द 5 नंबर्स। तो हम एक काम करेंगे, हर नंबर को हम देखेंगे कि कितने बार यूज हो रहा है, 120 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू जा 10, 2, 0, 5, 4, ईच नंबर इज यूज 24 टाइम्स, ईच नंबर इज यूज 24 टाइम्स। तो पहले इन नंबर्स का सम कर लेंगे, सो बिकॉज ये जो नंबर्स हैं इनका सम आएगा आपके पास में 1 प्लस ईच नंबर इज यूज 24 टाइम्स, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दें इनके सम को, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इनटू ये करेंगे जैसा मैंने वहां पे कॉमन निकाला था, फर्स्ट प्लेस वाले नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, सेकंड वाला 10 आएगा, थर्ड 100 आएगा, फोर्थ 1000 आएगा, और फिफ्थ वाला 10,000 आएगा, और इस तरह से ये टोटल सम हो जाता है। दिस इज 24 टाइम्स ऑफ दिस नंबर विल गिव यू द फर्स्ट कॉलम में जितने नंबर्स हैं उसका सम आ जाएगा, बिकॉज 120 टोटल नंबर्स है, 120 नंबर्स है, और हमारे पास में 5 नंबर्स थे तो हमने 120 को 5 से डिवाइड किया, सो ईच नंबर इज यूज 24 टाइम्स, सो बेटर टू मल्टीप्लाई 24 बाय द सम ऑफ दीज नंबर्स एंड टू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर विल गेट द टोटल सम। तो यही इसमें आंसर है। इस आंसर को वैसे देखा जा सकता है कि अगर इसको देखें, मेरे पास अवेलेबल है इसका आंसर, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 00, राइट। तो इस आंसर को शॉर्टकट में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सम ऑफ डिजिट नंबर जो सम बनाते हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन 10,000 मीन्स देखिए आप 3 और 2 5, 5 डिजिट नंबर बनेगा और वो 5 डिजिट नंबर 10,000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, और ये जो डिजिट यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है 0, 1, 2, 4, 5। तो अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम हमें दिखती है कि जब डिजिट्स में 0 पहले आएगा, 0 यदि पहले आ गया जैसा कि ये लिखा ही हुआ है, तो 0 ही आ गया पहले, तो आगे जो 4 ही डिजिट नंबर बनने वाली है, तो अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि कुछ नंबर ऐसे भी बन जाएंगे जो कि 4 डिजिट नंबर होंगे, हमें चाहिए 10,000 से बड़ा, सो ऑल द नंबर्स वी रिक्वायर शुड बी ग्रेटर देन 10,000, इट मीन्स इट शुड बी 5 डिजिट नंबर, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज अ 5 डिजिट नंबर, राइट। तो 5 डिजिट नंबर होना चाहिए बट 10,000 से बड़ा होना चाहिए। अब अच्छा हम थोड़ी इसकी भी बात कर लें, अगर 10,000 से बड़ा चाहिए और अगर यहाँ पे 0 के बाद में यदि 1 भी आगे आता है, 1 भी आगे आता है, 1 आगे आता है फिर 0 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2, 4, 5 आ जाए,
तो ये नंबर डेफिनेटली 10,000 से बड़ा होगा। ये मिनिमम वो नंबर है जो 10,000 से बड़ा है और फाइव डिजिट नंबर है। इट इज अ फाइव डिजिट नंबर एंड ग्रेटर देन 10,000 एंड दिस इज द फर्स्ट नंबर विच इज पॉसिबल। तो बाकी जितने सारे नंबर्स बनेंगे यदि जो कि फाइव डिजिट नंबर हम काउंट कर रहे हैं वो डेफिनेटली 10,000 से तो बड़े होंगे ही होंगे, बट होना चाहिए उनको फाइव डिजिट नंबर। लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में कि इसमें फोर डिजिट नंबर भी बन रहे हैं जब जीरो आगे रहेगा। जीरो आगे रहा तो फिर फोर डिजिट नंबर ही बनाएगा, उसको हम डिलीट कर देंगे, उन नंबर्स के सम को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन है सम का ही है। सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फॉर्मड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 2, 4, 5 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। जब कोई आप कोई डिजिट नंबर बना रहे हैं जो पर्टिकुलर एक डिजिट नंबर उसमें रिपीटेशन नहीं चाहिए उसको, तो वो तो होता ही है। डिजिट नंबर जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें नॉर्मली जब इस तरह का लैंग्वेज वो उसने स्टेट कर दिया स्पेसिफिकली तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब वही बात आती है, देखिए हम इन सब नंबर्स को अगर यूज़ करें 1, 2, 3, 4, 5 फाइव नंबर है, सो टोटल नंबर्स टोटल फाइव डिजिट नंबर्स वो आ जाएंगे फैक्टोरियल 5, सो दिस इज द 120 आ जाएगा। मैं इसको जीरो को अभी हम यूज करके सारे नंबर लिख ले रहे हैं और उसका सम को लिख देंगे, माइनस हम वो लिखेंगे कि जब जीरो आगे आ गया और फोर डिजिट नंबर बन रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे, तो उसके उसको पूरा सम ही डिलीट कर देंगे क्योंकि सभी फाइव डिजिट नंबर या फोर डिजिट नंबर जितने भी बन रहे हैं सबको यूज कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, थ्री डिजिट नंबर बनने के चांसेस नहीं है क्योंकि दो जीरो नहीं है इसमें, तो फोर डिजिट नंबर ही होगा जो कि मतलब हमारी जो मेन क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको फिलफिल नहीं कर रहा होगा। दैट शुड बी ग्रेटर देन 10,000 ऑल्सो, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे का प्रॉब्लम नहीं है, थ्री डिजिट नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 10,000 से बड़ा ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए टोटल फाइव डिजिट नंबर हो गए 120। अब हम एक काम करें कि इसमें जो सम कर लेंगे टोटल इनका, अगर टोटल 120 नंबर्स बन रहे हैं, 120 नंबर्स बन रहे हैं और इनको वापस कॉलम में देखा जाए, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में निकालूं, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स इक्वल्स टू हमारे पास में टोटल 120 नंबर्स थे और इन नंबर्स को देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं, 5 से हम डिवाइड करेंगे अगेन, राइट, सो 5 2 10 2 0 5 4 जा, तो हर नंबर को 24 टाइम्स यूज करेगा, सो 24 इंटू सम ऑफ दीज नंबर्स 0+1+2+4+5 लिखेंगे। और जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि जो यूनिट प्लेस पे होगा उसको डायरेक्टली 1 लिखेंगे, सेकेंड का 10 आएगा, थर्ड प्लेस पे जो आएगा 10^2 आएगा एंड फिर 10^3 आएगा बिकॉज फाइव डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4 चले गए और ये 5 आ जाएगा। ये तो हमने सारे नंबर्स का सम लिख दिया जो कि इंक्लूड कर रहा है, जीरो को भी इंक्लूड कर रहा है। अब हमें वो माइनस करने पड़ेंगे जो कि जीरो के आगे आने की वजह से बाकी इन नंबर्स का आपस में रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो अगर जब भी ये नंबर जीरो आगे आएगा सो दैट विल मेक द फोर डिजिट नंबर, वो हमें उनके सम को डिलीट करना पड़ेगा, तो माइनस कर दें। और जब ये 4 आगे आ गए तो यहाँ से आप देख लीजिए कि फोर डिजिट नंबर कितने होंगे, तो 4 होंगे 4 फैक्टोरियल होंगे 24 नंबर्स होंगे, और 24 अगर नंबर्स होंगे तो ये 4 नंबर है तो इसको हम डिवाइड कर लें, 6 4 जा 24, सो ईच नंबर इज यूज्ड बिकॉज द सम इज देयर, राइट, 24 है और 4 है तो 6 टाइम्स यूज होगा ईच नंबर इज यूज्ड 6 टाइम्स, 4 से डिवाइड करेंगे, वी हैव द 4 नंबर, यू जस्ट डिवाइड इट बाय द 6 6 4 जा 24, राइट, सो ईच नंबर इज यूज्ड 6 टाइम्स, तो यहां पे 6 टाइम्स कर देंगे और सम ऑफ दीज नंबर्स 1+2+4+5 होगा इनटू 1+ ये 4 डिजिट नंबर बन रहा है, 1+10+10^2+10^3 आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ जो ये नंबर बनाए हैं 4 नंबर, इसमें हमने ऐसा कर दिया है कि जीरो को यहाँ आगे मान लिया
और जो सारा अरेंजमेंट देखा है वो इनका देखा है, ये नंबर्स हमने बनाए वो इस तरह से बनेंगे। ये वो केसेस हटा दिए जबकि जीरो इसमें शुरू में आता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन है और इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर देंगे एंड दैट विल गिव यू द आंसर, राइट। इसको मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूँ जिससे आपको मालूम पड़े कि हमने किस तरह से इन चीजों को लिखा है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।